रिलेशनशिप में डिस्ट्रैक्टेड होना वो मेरा एक बड़ा फेलियर बनता है 2019 के नीट के एग्ज़ाम में जो बाकी सारे बच्चे हैं या फिर जो बाकी जो मेरे दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो रहे हैं या फिर वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ चुके हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा था तो रात रात भर हम स्ट्रैटेजी बनाया करते कि कौन सी मेरे लिए काफ़ी ठीक रहेगी या फिर कौन सी मेरे लिए ठीक नहीं रहेगी जब मैंने पहली बार अपना एप्रन पहना था जिस वाइट कोट का मैं इंतज़ार पूरे चार साल से कर रहा था और कितना लंबा इंतज़ार मुझे करना होगा आदमी टूट जाता है और बिखर जाता है मन हताश हो जाता है कि और कितना लंबा इंतजार क्योंकि जब आप देखते हैं कि आपके आसपास जो के जितने भी दोस्त हैं उनका भी सिलेक्शन हो रहा है नमस्कार मैं अमित कुमार गौतम सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ऑटोनस स्टेट मेडिकल कॉलेज फ़िरोज़ाबाद यूपी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कि अपनी इस नीट की इस जर्नी में तमाम अप्स एंड डाउनस की कहानी को लेकर तो so, मेरी कहानी स्टार्ट होती है 2015 से अपने दसवीं के बोर्ड के बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर मैंने अपना हिंदी का एग्ज़ाम अपनी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो मैंने छोड़ दिया था मुझे लगा कि आज नहीं है एग्ज़ाम कि बाद में है या फिर कल या परसों में एग्ज़ाम मेरे परिवार ने मुझे समझाया कि आज एग्ज़ाम एक बार डेट शीट देख लो बट मैंने उनकी एक नहीं सुनी फिर बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ मेरा पेपर आज का छूट गया है तो मैंने वही वाला एग्ज़ाम जब मैंने कंपार्टमेंट के अंदर में दिया और कंपार्टमेंट के अंदर में आते आते जब आप देखते हो उस दो महीने का जो सफ़र था उसमें आप देखते हैं कि आपके जितने भी दोस्त हैं उनके रिजल्ट्स आ गए हैं और वो अपनी नीट की जेई की या फिर अपनी कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम की अपनी जो तैयारी है या अपने जो अलग अलग स्कूल्स हैं उनको लेकर वो आगे बढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं आप पीछे रह गए हैं इसके बाद मैंने अपना कंपार्टमेंट में एग्ज़ाम दिया हिंदी का जिसके अंदर मेरी टेंथ ए आई और इसके बाद मेरे टेंथ के बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया रिज़ल्ट के अंदर में मेरी नाइन् जी पाई आउट ऑफ टेन देन मैंने अपना झुकाव मेडिकल की तरफ मेरा था मेरे पापा ने समझाया मुझे कि ऐसा है कि तुम पी सी बी मत लो तुम पी सी एम ले लो और क्योंकि तुम भूलते बहुत ज़्यादा हो इसके अंदर में ये था कि उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट था मुझे लेकर और वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर थे कि अगर इसने पी सी बी ले ली तो इसके पास एक ही ऑप्शन रहेगा डॉक्टर बन डॉक्टर बनना और अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाया तो कहीं ना कहीं उन्हें हताशा होगी पर मैंने उनको समझाया और उनको बोला कि मेरा मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं है इतना फिर बाद में मैंने अपनी जो स्ट्रीम थी वो बायो ली और बायो के और बायो के साथ साथ मैं आगे बढ़ा एलेवेंथ ट्वेल्थ के अंदर में मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी और बट ये था कि जो प्रॉब्लम हर किसी इस्परेंट को आती है अबाउट नाइन्टी एट परसेंट इस्परेंट को जो आती है आफ्टर बोर्ड्स कि बोर्ड के साथ साथ उनकी एंट्रेंस की जो एग्ज़ाम की तैयारी होती है वो साथ साथ नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं जो नीट का जो रिज़ल्ट होता है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है इस सब चीज़ों की वजह से तो मेरा 2017 के अंदर में रिज़ल्ट आता है बारहवीं का जिसके अंदर मैं बारहवीं बहुत अच्छे नंबरों से पास करता हूँ अबाउट एटी सिक्स परसेंट एंड उस टा उस समय मेरा नीट के अंदर में सिलेक्शन नहीं हो पाता पेरेंट्स को कहीं ना कहीं आशा होती है कि मेरा बच्चा नीट के अंदर सेलेक्ट हो जाए क्योंकि तो दो साल से मैं तैयारी कर रहा था पर उस टाइम सिलेक्शन नहीं हो पाया तो मैंने समझाया उन्हें कि कोई बात नहीं अभी बोर्ड्स ही हैं बोर्ड्स ही चल रहे थे और मैं इसके साथ में कोप अप नहीं कर पाया तो कोई नहीं ड्रॉप ईयर में फेज़ में ड्रॉप ईयर करूँगा तो ड्रॉप ईयर में हो जाएगा मेरा सिलेक्शन बट इसके बाद दो हो गया अब फिर आता है दो हज़ार के लिए मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा खुद को बहुत अच्छे से प्रपेयर करा पर इसमें मैंने जाना कि मेरी जो एग्ज़ाम की जो तैयारी थी वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं चल रही थी मैं प्रिपेयर तो कर रहा था मैं हार्ड वर्क भी पुश ऑन कर रहा था पर मेरी तैयारी इतनी अच्छी चल ही नहीं रही थी तो नतीजा ये निकलता है जब मैं अठारह का अटैम्प्ट में देता हूँ अठारह का अटैम्प्ट जब मैं देता हूँ तो उसमें भी मेरा किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन रुक जाता है और ये भी मैं कहीं मानूंगा कि जो ओवर कॉन्फिडेंस जो मेरे दसवीं के अंदर में था वो कहीं ना कहीं अभी तक पीछे नहीं छूटा था तो जिसकी वजह से मेरा ये ड्रॉप ईयर का जो फेस था वो भी बेकार हुआ इसके बाद मैंने पेरेंट्स को फिर से समझाया कि ऐसा है अभी कोई अभी कोई बात नहीं मैं फिर से एक बार ड्रॉप लेता हूँ और इस बार मैं पूरी की पूरी जान लगाकर मेहनत करूँगा जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और 2018 के अंदर में एक बात ये हुई थी कि जो मेरा एक दोस्त था मेरा जो दोस्त जो दो साल से मेरे साथ तैयारी कर रहा था उसका सिलेक्शन हो जाता है दो में पहले ड्रॉप के अंदर में जो कि मतलब आपके जो फ्रेंड होते हैं डॉक्टर हर्ष अभी यहाँ इंटर्न है एट रोहिनी बी उनका सिलेक्शन हो जाता है वो समझाते हैं मुझे कि ऐसा चल कोई बात नहीं बाद में हो जाएगा सिलेक्शन इस बार अच्छे से मेहनत करियो पर कहीं ना कहीं हद तक मैं जानता तो था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और टॉपिक भी लिख लिए थे मैंने पर कहीं ना कहीं मैं उसको पुश ऑन नहीं कर पा रहा था या मैं समझ नहीं पा रहा था मैं इस बार भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी मैं नहीं कर पा रहा था 2019 के लिए मैंने सोचा कि बहुत अच्छे से मैं तैयारी करता हूं और इसके लिए मैंने जितनी भी हेल्प हेल्प मैं ले सकता था चाहे वो अलग अलग कोचिंग के पेपर हों चाहे वो यूट्यूब वीडियोज़ हों मैंने हर एक कोशिश करी बट इसी बीच में क्या होता है कि मैं एक रिलेशनशिप के अंदर में होता हूँ और मैं कहीं ना कहीं उनसे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ रिलेशनशिप में डिस्ट्रैक्टेड होना वो मेरा एक बड़ा फेलियर बनता है 2019 के नीट के एग्ज़ाम में 2019 का नीट का एग्ज़ाम होता है और इसके चल इससे पहले मेरा ब्रेकअप हो जाता है और मैं ब्रेकअप के क्राइसिस से गुजर रहा होता हूँ दो का मैं अटैम्प्ट देता हूँ और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता उस टाइम पर सोसाइटी की तरफ से प्रेशर होता है और पेरेंट्स की तरफ से भी होप तो होती है बट उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं इतना फेलियर जब वो देखते हैं तो उनकी तरफ से भी प्रेशर कहीं ना कहीं होता है कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये डॉक्टरी वाली जो फील्ड है वो तुम्हारे लिए है भी या नहीं फिर उसके बाद बहुत लोगों से निराशा निराशा मिलती है और ऐसा लगता है कि मैं उन सबकी होप जो है मैं तोड़ रहा हूँ इसके बाद 2020 के लिए मैं फिर से अटैम्प्ट करता हूँ और 2019 के बाद मेरे कॉल आता है एक सर से कि ऐसा है कि तुम आ जाओ और कुछ जो कोचिंग के जो इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं वो तुम पढ़ा दो इससे तुम्हारी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और इसमें तुम्हारे हो सकता है कि नीट के अंदर में भी तुम बहुत अच्छा स्कोर कर लो और मेन जो इसमें बात थी कि एक जो फाइनेंशियल बर्डन जो मैं सोच रहा था कि मेरे पेरेंट्स के ऊपर जो पढ़ रहा है मेरी तैयारी को लेकर क्योंकि जो बाकी सारे बच्चे हैं या फिर जो बाकी जो मेरे दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो रहे हैं या फिर वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ चुके हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा था पर दो हज़ार के जब मैंने अटैम्प्ट दिया था उसमें मेरा सिलेक्शन आई के अंदर में हुआ था बायोटेक के अंदर में हुआ था बट जिससे मैं पीछे रह, रह रहा था नीट उसमें नहीं हो पा रहा था अब 2019 के अटैम्प्ट के बाद मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता हूं तो उनको इतना अच्छा लगता है कि अगर हम पढ़ेंगे तो इन्हीं सर से पढ़ेंगे और एज अ रिप्लेसमेंट मैं उन टीचर को रिप्लेस कर देता हूँ अब साथ ही साथ मैं अपनी तैयारी भी कर रहा था बच्चों को भी पढ़ा रहा था बच्चों के जो और बच्चे इस वजह से ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे थे मुझसे क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने जो गलतियाँ करी थी अपने एग्ज़ाम को लेकर मैं उनकी गलतियों को पकड़ ले करता और उनको समझा दिया करता कि तुम यहाँ पर गलती करने वाले हो और इस मौके पर तुम्हें नहीं चूकना और यहाँ पर तुम अच्छे से मतलब इसको गलती फिर से रिपीट मत कर देना जो मैंने करी अपने टाइम पर यहाँ पर इस सारी सारी चीज़ें होती हैं फिर आता है बीस का अटैम्प्ट दो नीट दो का दो नीट आता है और इसमें मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इसमें कर लूँगा अच्छे से क्लियर बट किसी कारणवश मैं इसमें भी मैं पीछे रह जाता हूँ और इसमें भी मेरा नीट का जो अटैम्प्ट होता है वो फेलियर की तरह साबित होता है होता तो है बट किसी कुछ एक दो क्वेश्चन या फिर चार पाँच क्वेश्चन की वजह से जो नुकसान होता है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इसी बीच मेरे एक दोस्त हैं आकाश कुमार जो कि अभी थर्ड ईयर एमबीबीएस हैं सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में उनका सिलेक्शन हो जाता है 2020 में बहुत अच्छे नंबरों से वो मुझे कॉल करते हैं और इतनी निराशा होती है और दूसरे और दूसरे जो दोस्त होते हैं उनका कॉल आते हैं उन सबको लगता है मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कॉल आता है मैं कॉल किसी का पिक नहीं करता क्योंकि मुझे पता था कि मेरा नीट का जो पेपर है वो बिगड़ चुका है फिर से अब मुझे भी खुद ब खुद सेल्फ डाउट हो रहा था कि क्या ये डॉक्टरी लाइन मेरे लिए बनी भी है या नहीं बनी और फिर इसके बाद मैंने सोसाइटी की तरफ से जो प्रेशर पड़ रहा था या फिर जो घर वालों की तरफ से प्रेशर पड़ रहा था या फिर जो रिश्तेदार जो कि रिज़ल्ट के मौके पर जो कॉल करते हैं उनकी तरफ से प्रेशर आ रहा था कि साल भर कभी कॉल नहीं करा या फिर रिजल्ट के एकदम बाद वो तुरंत कॉल करते हैं कि अमित का क्या हुआ और मेरे पेरेंट्स भी हमेशा निराशा हो रही थी उनको कि और मैं ही था मतलब कारण जो था वो मैं ही था कि मेरा नीट के अंदर सिलेक्शन नहीं हो रहा था और अब वो वो भी बोलें तो बोलें अब क्या क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो और फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है और क्योंकि आपके जितने सारे आपके जो दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी डिग्री के अंदर वो आगे बढ़ गए हैं आप ही पीछे रह गए हो और किस किस एम्बिशन के साथ रह गए कि एक दिन डॉक्टर बन जाएंगे एग्ज़ाम क्लियर करके और इतने अटैम्प्ट आप दे चुके हो तो सेल्फ डाउट आ रहा था कहीं ना कहीं कि कहीं ये मेरे लिए जर्नी घातक साबित तो नहीं हो रही क्या इस बार मेरा नहीं हुआ तो अब आगे मैं क्या करूँगा वहाँ पर मैं शुक्रिया अदा मानता हूँ मैं अपने दोस्त का आकाश का जिसने मेरी इस जो फिर से अटैम्प्ट लेने के लिए उसने मेरे को प्रोत्साहन करा मेरी बहन ज्योति सिंह जिसने मेरे लिए फाइट करी अपने घर वालों से घर वालों से कि इसको एक बार फिर से दे दो अटैम्प्ट और एक वादा जो मैंने सभी से करा था कि जितने भी दिक्कत आई इन चार साल में या फिर इन तीन साल में वो अब मैं फिर से नहीं आने दूंगा और इस बार मैं अपना फुल शॉर्ट शॉर्ट करके मैं सिलेक्शन लूँगा 2020 का अटैम्प्ट जाता है मेरा और 2021 के लिए मैं फिर से प्रिपेयर करना चालू कर देता पढ़ाता हूँ बच्चों को शाम में और जितना भी आ, बाकी जो टाइम मिलता है उसमें मैं तैयारी करता हूँ आकाश से बात होती थी तो रात रात भर हम स्ट्रैटेजी बनाया करते कि कौन सी मेरे लिए काफ़ी ठीक रहेगी या फिर कौन सी मेरे लिए ठीक नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं जो मैं टाइम जो दे जा रहा हूँ अपनी कोचिंग को या फिर सिर्फ एक कारण नहीं होता जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है मुझे लग रहा था कि सिर्फ एक ही कारण होता है कि सिर्फ पहले तो ब्रेकअप हुआ था मुझे लगा कि पहले ब्रेकअप की वजह से कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया था इस वजह से मेरा सिलेक्शन रुका है पर नहीं कहीं ना कहीं आपका जो इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट कैसा है आपके साथ में जो लोग हैं लोग कैसे हैं आपका इतने साल का जो ड्रॉप है आपका मनोबल कैसा है मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है आपकी क्योंकि वो इतने ड्रॉप में टूट जाती है और जब इतने ड्रॉप लग जाते हैं तो आपके पास नॉलेज तो होती है पर जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो कहीं ना कहीं आप खो देते हैं और एक जो सेल्फ डाउट आप क्रिएट कर देते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर आप परफॉर्म कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या होता है कि जो इजी क्वेश्चन जो होते हैं आप सेल्फ डाउट के चलते आप उनको गलत करके आते हैं यही चीज़ समझाई मेरे दोस्त आकाश ने और उसने मेरी इस जर्नी के अंदर में जो 21 वाली जर्नी थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी रात रात भर स्ट्रेटेजी बनाई प्लान बनाया जो मेरे लिए अच्छा साबित हुआ फिर बाद में 21 का अटैम्प्ट मैंने दिया जो और 21 का अटैम्प्ट ये सोच कर दिया था कि हुआ हुआ नहीं हुआ तो चलो कोई नहीं कोचिंग में बच्चे पढ़ाएंगे और और एकदम मैं फ्री माइंड से गया था उस टाइम पर मैं अपने एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर में जब मैं गया था तो वहाँ पे भी इन्वामेंट काफ़ी ज़्यादा हंसी था या फिर और प्रेशराइज़ एन्वायरमेंट था बट उस प्रेशराइज इन्वायरमेंट के अंदर मैं मैंने अच्छे से परफॉर्म किया और जैसे ही मैं बाहर निकला इस बार ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई अब जो इतने साल से जो मेहनत जो मेरी रुकी हुई थी अब वो मेरी सफल हो जाएगी और हुआ भी यही जब रिज़ल्ट आए 2021 नीट के तब मेरा सिलेक्शन हुआ तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो अब ये जो चार साल की जो नीट की जो जर्नी थी जिसमें मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे अपनी फैमिली के ऊपर मैंने प्रेशराइज कर रखा था फैमिली को कहीं ना कहीं मुझ पर शक था मुझे सेल्फ डाउट हो रहा था कि इसका सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा तो उस पर मैं खरा उतरा फिर इसके बाद अलाटमेंट के बाद जब मुझे कॉलेज अलाट हो गया और वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलाट हो गया तो मेरी खुशी का कहीं ठिकाना ना रहा मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि मुझे इस बार भी कॉलेज अलॉट ना हो बट इस बार मुझे कॉलेज अलॉट हो गया था इक्कीस अटैम्प्ट के अंदर में और मैं बहुत काफ़ी ज़्यादा खुश था और मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि इक्कीस के अटैम्प्ट के बाद कि हो सकता है कि आपके लिए जो ये जर्नी रही हो कुछ हो सकता है कि बच्चे देख रहे हों जो कि फर्स्ट ईयर ड्रॉप हो उनका या फिर जो अभी नीट देने वाले हों सेकेंड ईयर ड्रॉप हो थर्ड ईयर ड्रॉप हो या फिर इससे ज़्यादा हों आप अपने मनोबल को मत टूटने दीजिए आप अपने मनोबल को बनाए रखिए आप अपनी नॉलेज को बनाए रखिए अच्छे से कि आप कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे आप उनको छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको आप लिखते रहिए कि ऐसा नहीं है कि जो गलती किसी और ने करी जो गलती मैंने करी वो गलती आप ही करें ऐसा कभी नहीं होता हो सकता क्योंकि हर एक जो पर्सन है वो डिफ़रेंट है उसकी सोचने की समझने की जो और तर्कशील करने की जो क्षमता है वो अलग अलग है तो आपकी अलग है मेरी अलग है हो सकता है कि जो गलती मैं कर रहा हूँ वो आप बिल्कुल ना कर रहे हो और इसके अलावा आप पूरा प्लान बनाइए अपने हिसाब से अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखिए कि आप क्या खा पी रहे हैं कैसी संगत है क्या आप और अपने आप को एनालाइज़ करते रहिए टेस्ट के माध्यम से कि आप टेस्ट के अंदर स्कोर कितना कर रहे हैं गलती कहाँ कर रहे हैं और इतना अगर आपको वक्त लग रहा है नीट की प्रिपरेशन के अंदर में एक आपको जो खुद कॉल लेना है हर अटैम्प्ट के बाद कि क्या मैं इस नीट के लिए बना बनाऊँ या नहीं बनाऊँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक ऑप्शन है इसके अलावा और भी ऑप्शन है क्योंकि मैं भी जब सोच के गया था अपने लास्ट अटैम्प्ट के अंदर में कि अगर मैं अगर मेरा बाई चांस मेरा सिलेक्शन नहीं होता इसमें तो मैं कुछ नहीं होगा तो मैं टीचर बन के बच्चे पढ़ाऊँगा क्योंकि उसमें मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी और मैं कमा रहा था बट इसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ वाई गॉड ग्रेस और मैंने अपनी जर्नी जो थी अपनी डॉक्टर बनने की वो यहाँ पर मैंने पूरी करी जब मुझे कॉलेज अलॉट हो गया और जब मैं कॉलेज में गया तब मेरी खुशी का कोई ठिकाने ठिकाना नहीं रहा था ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश था मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी मैं जब अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने गया अपने हॉस्टल के अंदर में गया पहली बार देखा कि ऐसा भी हॉस्टल होता है और क्योंकि मैं इससे पहले कभी हॉस्टल में नहीं रहा था और पहली बार मैं हॉस्टल में रहा था और जब मैंने वहाँ के टीचर्स देखे और देखे कि इतने जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं एक साथ डॉक्ट डॉक्टर बनने के लिए तो मेरी खुशी का कहीं ठिकाना नहीं रहा था और जब जब मैं वार्ड्स के अंदर में गया हॉस्पिटल के अंदर में जहाँ पर आप पेशेंट्स को देखते हो और पेशेंट्स को आपसे ज़्यादा इच्छा होती है कि इच्छा भी होती है और आपसे होप भी होती है कि आप बहुत अच्छे से उनका इलाज करेंगे और एक ऐसा इलाज करेंगे कि उनको फिर से आपके पास ना आना पड़े या फिर उनकी जो बीमारी है जिस बीमारी को वो लेकर आए हैं वो एकदम आप ख़त्म कर दें बहुत अच्छा लगता है जब हम वार्ड्स के अंदर जाते हैं जब मैंने पहली बार अपना एप्रन पहना था जिस वाइट कोट का मैं इंतज़ार पूरे चार साल से कर रहा था या फिर जब मैं अपने सिर्फ दोस्तों को मैं देख रहा था दोस्त आ, दोस्त पहनते थे, थे या फिर अपनी जो पिक्चर जो पोस्ट किया करते थे तो मैं उनको ही देखता रहता था कि अभी मेरा नंबर आएगा यार कभी मैं इस वाइट कोट को मैं पहनूँगा या मैं सेट डालूँगा अपने गले में और सेट डाल के मैं डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट में घूमूंगा पेशेंट्स का मैं इलाज करूँगा तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप डरिए मत एग्ज़ाम से अगर आपको बहुत ज़्यादा फेलियर आपको मिल रखा है पर एक अपने मन के अंदर में आप जोश बनाए रखिए कि कोई नहीं अभी इस साल नहीं हुआ ना तो कोई नहीं अगली साल हो जाएगा मेरा सिलेक्शन और अगली साल जो मेरे को अटैम्प्ट देना है वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से देना है और जो मैंने गलतियाँ मैंने अपनी इस टाइम पर मैंने कर ली वो मेरे को फिर से रिपीट नहीं करनी आप वो वो गलतियाँ सिर्फ मन में बोलिए मत आप वो लिख लीजिए पहले गलतियाँ लिख के आप सामने लगा दीजिए कैसे नहीं करेंगे आप गलती और अगर कहीं गलती आप ज़्यादा ही करते हैं तो उस चीज़ को अपने आप से कट डाउन कर दीजिए क्योंकि या तो आप अपनी लाइफ के अंदर में ये चुन लीजिए या तो ये है या तो ये है या तो मैं मज़े करूँगा पूरी लाइफ में और सिलेक्शन भी नहीं होगा या तो मैं मज़े काट कर मैं सिर्फ अपनी तमीज़ से मैं तैयारी करूँगा और मैं इस बार मैं अपना सिलेक्शन लास्ट ईयर से और ज़्यादा अच्छे नंबर से मैं लेके कर दिखाऊँगा क्योंकि जो फीलिंग होती है मेडिकल कॉलेज में जाने की और आप हॉस्पिटल में जब घूमते हो क्योंकि जो मरीज़ जो होते हैं वो आपको भगवान का दर्जा दे देते हैं और जब कोई भगवान का दर्जा दे रहा है आपको तो उसके लिए अगर आपको पढ़ाई भी करनी पड़ रही है तो आप वो करिए क्योंकि ये जो दर्जा होता है वो बेसिकली किसी और फील्ड में आपको मिलता नहीं है सिर्फ डॉक्टरी की ऐसी फील्ड है और आप इसके अंदर में जब आप वार्ड्स के अंदर घूमते हैं या फिर डिपार्टमेंट विपार्टमेंट आप बड़े बड़े कुछ uh, कॉम्पटिशन्स में जाते हैं जैसे मैं गया था एम्स के पल्स में कॉम्पिटन में गया था वहाँ पर अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करा था जो कि सिंगल एंट्री थी पूरी यूपी में से और इसके बाद फिर आप अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं एज अ सेमिनार लेने जाते हैं बच्चों को मोटिवेट करते हैं वो फीलिंग ही बहुत ज़्यादा अलग होती है मैं क्या ही बताऊँ मैं काफ़ी ज़्यादा सेमिनार्स में ले चुका हूँ इन्वाट कर चु इन्वाइट कर चुके हैं मेरे को अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर बच्चों के डाउट्स जो आप क्लियर करते हैं अपनी जो जर्नी आप पूरी की पूरी बताते हैं उन्हें कि मैंने यहाँ यहाँ फेलियर करा और वही गलती आप चाहते हैं कि वो सामने वाले जो एस्पिरेंट चाहे वो कोई भी बंदा बैठा हुआ है चाहे वो ड्रॉपर है चाहे वो प्रिपेयरिंग है इलेवेंथ या ट्वेल्थ के अंदर में वो गलती ना करे तो मैं अपनी बात इसी पर ख़त्म करना चाहूँगा जो मेरी ये जर्नी थी चार साल की थैंक यू जो स्टॉक टू प्रोवाइड मी दिस प्लेटफॉर्म जिसमें मैंने अपनी पूरी चार साल की जर्नी पूरी बताई और मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा ट्वेंटी थ्री एस्पिरेंट्स को जो अपनी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं और ट्वेंटी फोर एस्पिरेंट्स को कि वो आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करें जो आपने पहले कर दिए पहले की जो गलतियाँ वो सब भूल जाओ जितना कर दिया बट अभी से टाइम स्टार्ट मतलब आप टी इजिकल टू जीरो लेकर आप तैयारी करिए और अपना अच्छा अटेम्प्ट दीजिए सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर